चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। क्लास टेस्ट रेफ एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पे अगर हम लिखते हैं क्लास एक्स, है ना, यहां पे मैं दो मेथड लिखता हूं, वाइड सेट वैल्यू नंबर रिक्वेस्ट एक्स, प्रिंट ऑफ गेट वैल्यू रिटर्न ऑफ, बराबर वाइड सेट वैल्यू गेट वैल्यू। दूसरा क्लास लिखते हैं क्लास वाई, सेट एक्स एक्स ऑफ एक्स, हाँ एक्स वन डॉट सेट वैल्यू 100। अभी आप यहां देखिए, यहां पे अगर मान लीजिए अगर हमने लिखा एक्स ऑफ एक्स टू इक्वल टू यू ऑफ एक्स, एक्स टू डॉट सेट वैल्यू ऑफ 100, यस और नॉट, एक्स टू डॉट सेट वैल्यू ऑफ 100 या 10 करते हैं, न्यू ऑफ वाई डॉट सेट ऑफ एक्स ऑफ एक्स टू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स टू डॉट गेट वैल्यू, नाउ वैल्यू की है प्लस वन। बताइए क्या आंसर आएगा इसका, यस स्टूडेंट प्लीज बताइए क्या आंसर क्या होगा इसका। टेन होगा या 100 होगा या कुछ होगा बता सकते हैं, क्या आना चाहिए आंसर बताइए, 100 या 10। हंड्रेड, ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको कोड पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं। ये कॉल बाय रेफरेंस है, इट इज नॉट कॉल बाय वैल्यू, है ना, मतलब आपने पॉइंटर भेजा है। देखिए यहां पे आ गया ये, यहां आप अगर आते हैं इट इज हियर, अभी आप यहां आइए, यहां पे इज अ क्लियर। देखिए अभी आप जब सोचिए ये हमारी मेमोरी है, दिस इज माय मेमोरी, जब मैं यहां ऐसे लिखूंगा x ऑफ x2 इक्वल्स टू न्यू ऑफ x, इसका मतलब क्या है, आपके मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना है, यस और नॉट, एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या है गाइस, तो यहां इसका एड्रेस कुछ ना कुछ होगा, कितना है 10,000, ये कहां गया एक्स टू में गया, तो ये जो एक्स टू है एक्स टू कहां पॉइंट करेगा, एक्स टू पॉइंट टू, यस यस आर नॉट, जब आप लिखेंगे x2 डॉट सेट वैल्यू ऑफ 10, x2 डॉट सेट वैल्यू ऑफ 10 का मतलब क्या है, x2 डॉट सेट वैल्यू 10 का मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब क्या है, 10,000 डॉट सेट वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है आपकी, 10 है, ये कहां गई x, यहां x के अंदर कहां गई, बराबर यस और नॉट। फिर देखिए मैंने यहां पे न्यू ऑफ y तो किसका ऑब्जेक्ट बना, y का, इट इज एनोनिमस ऑब्जेक्ट डॉट, क्या लिखा सेट x, तो ये x2 यहां पे पास किया हमने, कहा x1, तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है गाइस, x2 की वैल्यू 10 नहीं है 10,000 है, कितना है, देखिए आपने ऑब्जेक्ट नहीं पास किया, यहां पे x2 का क्या गया है रेफरेंस, एक्स वन के अंदर क्या जाएगा
रेफरेंस जाएगा, रेफरेंस तो एक्स वन इसे पॉइंट करेगा या नहीं, मतलब यहां पे आपने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पास किया है, ओरिजिनल रेफरेंस, रेफरेंस पास किया आपने, मतलब ये एक्स वन और एक्स टू एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं बराबर। फिर जब आपने लिखा एक्स वन डॉट सेट वैल्यू, एक्स वन डॉट सेट वैल्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स टू डॉट सेट वैल्यू हुआ क्या, बोलिए, एक्स डॉट सेट वैल्यू हो गया ना। तो एक्स डॉट सेट वैल्यू अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है गाइस, इसकी वैल्यू है 100। तो ये 100 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ये इसके ऊपर क्या होगा, ओवरराइड हो जाएगा या नहीं, क्योंकि दोनों का एड्रेस लोकेशन क्या है सेम। जब आप यहां पे आएंगे और लिखेंगे सिस्टम डॉट ऑर्डर नाउ वैल्यू इज एक्स डॉट गेट वैल्यू, एक्स डॉट गेट वैल्यू का मतलब क्या हो गया बताइए, 10,000 डॉट, तो 10,000 लोकेशन पे करंट नंबर की वैल्यू कितनी है, तो जब आप ये फंक्शन यहां से कॉल करेंगे तो ये नंबर आपको क्या भेजेगा, बोलिए क्या भेजेगा, 100। इसीलिए आपको आउटपुट मिलेगा नाउ वैल्यू इज 100। देखिए इसके लिए पॉइंटर बहुत क्लियर चाहिए, यस और नॉट, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नॉट गाइस, यस प्लीज।